हरियाणा से हैं सुषमा जी, स्वागत है आपका नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। सर। सुषमा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। जी मैम। सर, अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रोग्राम देख रही थी, कावेरी जी का और सुधा जी का फोन आया था, तो जैसे उन्होंने कहा कि भी आप प्रोग्राम की जैसे रौनक हो शैलजा मैम के लिए, इनकी भी बहुत तारीफ है सर। अच्छे से समझाना करना सबके अपने आप में एक टैलेंट है सर। मैं सुबह आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, वैसे तो उर्दू चैनल पे भी देखती हूँ, तो फोन भी ट्राई करती हूँ लेकिन मिलता नहीं है। सुबह भी आपका देख रही थी जैसे, तो सर आप अपने आप को मामूली और ये मेरे बाद या ऐसे ऐसे से वर्ड मत यूज किया करो सर। ठीक है सर। और सर, हाँ जी सर, आप तो एक सुपर स्टार हो हमारे लिए, एक कहते हैं कि भी जो एक्टर एक्ट्रेस को बोलते हैं हम, सर आप तो एक सुपर स्टार हो, फरिश्ता हो भगवान के, जो हमारे लिए आप बहुत हो यहाँ धन्यवाद। पे। हाँ जी सर। कुछ और सवाल है शैलजा जी की भी तारीफ है। हाँ मैम? कुछ सवाल है जी आपका? सर। हाँ जी, सवाल भी है सर, ये जो गोंद जामुन है, अगर जैसे सर शुगर स्टिंग की हो, बिल्कुल लाइन पे हो सर, तो ये गोंद जामुन देने से ये रुक रुक जाती है शुगर? जी, और कोई सवाल? हाँ जी सर। और भी है, ये नमक जैतून जो खाली पेट ले सकते हैं? जी, नमक जैतून खाली पेट ले सकते हैं। और अगर किसी को अपनी डायबिटीज़ बॉर्डर पर मिल जाए तो वो हमेशा अच्छी ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी, बगैर डायबिटीज़ की ज़िंदगी गुजार सकता है। उसमें गोंद भी है जामुन, और वो भी है आपका सिरका भी है, वो लिया करें। और पानी 5 बार गर्म पिया करें, 1 घंटा पैदल चला करें। मेरा अनुभव है कि आपकी डायबिटीज़ को रोका जा सकता है, हमेशा आपको सेहतमंद रखा जा सकता है। और देखिए, वो दरअसल बहुत से उर्दू चैनल, हिंदी चैनल, 10, 15, 20 चैनल पर मैं पाया जाता हूँ। और मैं बूढ़ा आदमी हूँ, और बूढ़ा आदमी क्या करता है? मरने से डराता है। और इसलिए आपको डराता हूँ कि मेरे नुस्खे आप लिख लें, तजर्बा कर लें और मेरी ज़िंदगी में कर लें, ताकि कुछ भी बात, दवा चेंज करनी हो तो मैं ज़िंदा आदमी बता सकता है। तो बूढ़ा आदमी डराता रहता है, मरता तो है नहीं, खांसता रहता है, तो बुरा मत माना करिए। और वाकई ये रियल लाइफ है, आपकी भी और मेरी भी। देखिए, फिल्मों में तो हम आसमान पे उड़ने लगते हैं, और इसको मारा, उसको तोड़ा, गोली भी लगती है तो आदमी जिंदा रहता है। रियल लाइफ में तो गोली लग जाए, आदमी मर जाए, आप मुझे एक शब्द कह दें तो मैं तकलीफ़ में आ जाऊंगा। लेकिन मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं घर जाता हूँ तो इतनी मोहब्बत, आपकी इतनी मोहब्बत के बाद घर पहुंचता हूँ कि शायद घर में भी इतनी मोहब्बत होगी, लेकिन वो तो ऐसे नॉर्मल लेती है मेरे को, जैसे मैं कोई मामूली आदमी हूँ। और जब चैनल पे आता हूँ तो लगता है कि मैं कोई गैर मामूली आदमी हूँ। तो यही रहता है। मैं दुआ है कि आपको खूब भगवान अच्छा रखे, लोगों की सेवा रखे। और कुछ जुमले कहने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया में हमेशा रहना नहीं, हमें अच्छे कर्म करते हुए आखिर तो एक दिन जाके अपने रब से मिलना ही है। और वही रब है आपका जो मेरा है, कोई दो रब नहीं हो सकते दुनिया में, दो भगवान नहीं हो सकते, इस बात पर हमें यकीन है। तो हमें अच्छे काम करते हुए जाना चाहिए, नहीं तो वहाँ बड़ा बुरा हाल होगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा, बेटा माँ को नहीं पहचानेगा, माँ बेटे को नहीं पहचानेगी। बेटा वहाँ पर जो पुण्य है ना, पुण्य हम कहते हैं नेकियों को, अगर माँ के पास उसकी माफ़ी के लिए एक नेकी कम पड़ गई अगर, तो
तो तोली जाएंगी नेकी और बुराइयाँ। तो वो अपने बेटे के पास जाएगी कि बेटा मुझे एक नेकी कम पड़ रही, तू मुझे एक नेकी दे दे तो मेरी मुझे भगवान माफ़ कर देगा। तो बेटा मना कर देगा कि मेरे पास तो खुद ही दो नेकियां कम है, एक तू दे दे और एक मैं किसी और से ले लूँगा ताकि मेरे माफ़ कर दे। कोई किसी पर रहम नहीं करेगा वहाँ पर, वहाँ रहम निकाल लिया जाएगा हमारे दिलों से। जब तक हम दुनिया में हैं ये रहम का मामला है कि माँ को अगर जान भी देनी पड़े अपने बच्चे के लिए दे देगी। कुछ बच्चे भी ऐसे हैं कि अपनी माँ के लिए कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन जब आखिरी दिन आएगा दुनिया का, हम सबको उठाया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो कोई किसी के काम नहीं आएगा, सिर्फ हमारे अच्छे कर्म काम आएंगे। तो अच्छे कर्म कर लें, तो इसलिए डराता रहता हूँ, बात करता हूँ। कभी कोई गलती भी हो जाती है तो कभी मुझसे ऐसा कोई शब्द निकल जाए जिससे आपका दिल दुख जाए, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगले कॉलर हैं भटिंडा से, कुलदीप जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार मैम, नमस्कार जी नमस्कार मैम। हकीम साहब, जय हिंद, स्वागत है आपका। हकीम साहब, मैं अपने पति बारे बात करनी है। जी उनकी ना तीनों नसें ब्लॉक है जी। डॉक्टर ने बोला है कि इसका 90% काम करता है। 20% बताइए 20% जी, 20%। बस। तो फिक्र ना करो, ओ तुसी फिक्र ना करो जी, मैं नुस्खा लिखवा रहा हूँ तो लिख लोगे आप? हाँ जी, नुस्खा पहले टीवी से बोला था, लहसुन अदरक का रस जैतून का सिरके में, हाँ। वो हमने बना लिया है। ते वो जब लेते हैं ना उसका मतलब हो जाती है, गले में खुरक जी होती है, गला खराब हो जाता है, एलर्जी भी हो जाती है, छींके ठीक है, ठीक है। आने लगती है। ते और उनके ना दर्द, टांगों में दर्द बहुत रहता है। ठीक है, ठीक है। ये बहुत अच्छा किया, उसका लिख लिया और बना लिया। इससे हो सकता है इनको थोड़ी एलर्जी हो, तो एलर्जी की दवा ले सकते हैं आप, लेकिन इसे छोड़े नहीं। इसमें नींबू से अगर उन्हें एलर्जी हो तो नींबू ना डालें या कम डालें, और अदरक ज़्यादा डाल दें उसका जूस, लेकिन ये ले, एलर्जी हो तो भी ले, एलर्जी की दवा ले लें। और ये जो 5 महीने चलता है, अगर आपने 1 लीटर के हिसाब से असली अगर लिया है ना, तो वैसे होना नहीं चाहिए। अगर आपने असली लिया है सिरका, जैतून के सिरके भी नकली बहुत मिल रहे हैं, तो असली लेना ज़रूरी है। तो ये 5 महीने चलता है, 3-3 चम्मच 3 बार पिलाएं उन्हें, और कोई एलर्जी की दवा भी दे दें। तो 5 महीने बाद आप वादा करेंगे, उनका टेस्ट कराकर हमें फ़ोन करेंगे कि डॉक्टर ने क्या बताया, बस इतना बता देना, हम खुश हो जाएंगे। वैसे तो 7 महीने लेना चाहिए, लेकिन 5 महीने में आप इनकी, बहुत कम है और इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जोड़ों में दर्द है तो गौंसिया 1 टाइम या 2 टाइम दीजिए, आधा आधा ग्राम, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब 5 महीने गुजर जाएंगे और आप फ़ोन करके जो भी रिज़ल्ट आपको डॉक्टर बताए। वैसे तो आसानी हो जाएगी उनको, जब सांस फूलता है वगैरह, कोलेस्ट्रॉल, इन सब से इसको, यानी कोलेस्ट्रॉल का तो दुश्मन है। और मैंने देखा कि ऐसे लोगों को, जैसे आपके पति को मर्ज है, ऐसे लोगों को मैंने खुद देखा फ़ायदा होते हुए, और दुआ करूंगा कि पति जी को आपके फायदा हो जाए। जी, मोदीनगर से हैं महेंद्र जी, स्वागत है आपका। मैं मोदीनगर से वंदना बात कर रही हूँ, उत्तर प्रदेश से। वंदना जी मैम, बोलिए मैम, सवाल करिए। मेरा सवाल है, मेरी ननद है, उनकी उम्र 24 वर्ष की है। तो उनकी ये प्रॉब्लम है कि उनको ना बाथरूम बार बार आता है। बहुत लोग ऐसे हैं, गौर से सुने, ये नुस्खा बहुत अच्छा है। ये तो बहुत कम उम्र है, औरों को भी, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें बाथरूम बार बार आता है। एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, लिख लें, किसी और के काम आएगा, बुज़ुर्गों को भी ये होता है।
बड़ा अच्छा नुस्खा है, लाजवंती। एक बारीक बारीक दाने आते हैं और वो पानी में डालो तो एकदम पानी को ही पी जाते हैं। लाजवंती एक चम्मच दूध में या पानी में मिलाएं, अच्छा जल्दी जल्दी हिलाएं इसको, नहीं तो गांठें पड़ जाती हैं। तो गांठ पड़े तो तोड़ दें चम्मच से, लेकिन उसे हिलाते रहें। गर्म दूध में डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा। एक चम्मच और एक चुटकी वो लीजिए गोंद चिलगोजा, चिलगोजे का गोंद कह दो या गोंद चिलगोजा। चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जो बहुत महंगा आता है, बहुत कम लोग खा पाते हैं। तो उसका गोंद है एक चुटकी में जितना आए, ये रॉ मटेरियल है याद रखें, असली लेना ज़रूरी है। एक चुटकी में जितना आए तो वो इसमें दूध में या जो लाजवंती के साथ मिलाना है, एक चुटकी से ज़्यादा नहीं, बहुत तेज़ होता है। तो ये एक खुराक 24 घंटे में दे दिया करें, आपकी ननद को फायदा होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, असीम से बात हो रही है जी? जी हो रही है, नाचीज से बताइए क्या सवाल। नमस्कार जी। जय हिंद। नमस्कार जी, मैंने फोन किया था एकदम, फिर आपने इसके नुस्खे नहीं बताए, ये जो शरीर पर मच्छर निकला है। आपकी समझ में आ रही बात? नहीं, मुच निकलते हैं ना शरीर पर, छोटे छोटे मुच बोलते हैं उनको। जी ठीक है। जी एक और भी सवाल था मेरा, रिक्वेस्ट आपसे। जी हेलो। जी जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए। हाँ जी, आप बहुत ही अच्छे हो और बहुत बढ़िया नुस्खे बताते हो, तो मेरी आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे इस डॉक्टरी लाइन में, और एक सब्जेक्ट और जोड़ लो भगवान के लिए। भगवान को आप किसको भगवान मानते हो? ठीक है, देखिए भगवान तो एक ही होता है, और बाकी जो भगवान को बहुत सारे समझते हैं वो भगवान पर के लिए वो बुराई पैदा कर रहे हैं, क्योंकि एक ताकत जो एक नूर, एक ऐसी ताकत जो जो चाहे कर सकती हो, एक वो ताकत जो हम सबको पैदा करती है और बुला भी लेती है। तो हम सब जितने मनुष्य हैं ये पैदा होने वाले लोग हैं, जो लोग पैदा होते हैं वो भगवान नहीं हो सकते, और जो पैदा करता है वो भगवान है, और सबका एक ही है, यानी मेरा भी आपका भी हर किसी का एक ही भगवान है। नाम कुछ भी आप ले लें लेकिन भगवान एक ही है, एक ही था और एक ही रहेगा। तो समझ लीजिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो किसी से पैदा नहीं है, वो एक कुदरत है, और ना उसकी कोई बहन है, ना बीवी है, ना पत्नी है, ना बच्चे हैं। वो इन सब बातों से, इन सब बातों में तो हम फंसे हुए हैं, ना उसको शादी की ज़रूरत, ना उसको पत्नी की जरूरत। वो तो इशारा करता है, ये हो जा तो हो जाता है, हम जैसे जाने कितने लोग रोज़ाना पैदा करता है, मारता है, और सबका एक ही है। अब कोई किसी को कुछ कहे तो वो जाने, लेकिन भगवान एक ही होता है, एक ही है और एक ही रहेगा, और उसी की हमें पूजा करनी चाहिए। और क्या सवाल था इनका? मस्से देखिए, मस्से ये हेल्दी लोगों के और उम्र दराज लोगों के एकाद होता है, मेरे भी एकाद है, तो और कोई हो जाता है वो मुझे परेशान नहीं करता, कभी परेशान करे थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैं इसके लिए मेडिकल स्टोर पर एक लिक्विड भी आता है, उसे लगा लो तो उसको जला देता, सुखा देता है, फिर अपना आप जड़ जाता है। या उसका बनाने का तरीका, मेरा तो काम ये है बनाने का तरीका है, चूना और सोडा
मिक्स कर दें बराबर बराबर, और ज़रा सा उस पर रोज़ लगा लिया करें 6-7 दिन तक, जहाँ भी अक्सर यहाँ होता है बगल के पास होता है, लगा के छोड़ दिया करें। थोड़ी सी जलन सी होगी बर्दाश्त कर लें, फिर ये अपना आप सूखने लगेगा और एक दिन अपना आप झड़ जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का जी।